हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेंडरथल मैन के बारे में, नहीं नेंडरथल मानव क्या है। तो गाइस, नेंडरथल जो मानव है, इसका जो जीवाश्म है ये जर्मनी के डसलडॉर्फ नेंडरहार्टिस के फील्ड होपर नामक एक गुफा है, वहाँ से मिला था, 1850 में मिला था। एंड इस स्थल के नाम पर ही इसका नाम क्या हो गया, नेंडरथल पड़ा, नेंडरथल घाटी पर मिलने के कारण। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से मिला है, तो अगर हम देखें तो नेंडरथल का जो फॉसिल्स है, जो अवशेष है, नेंडरथल घाटी के अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन सभी जगह से लगभग 275 फॉसिल्स यानी अवशेष मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1,20,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तक रहे होंगे। अधिकांश नेंडरथल तीसरे अंतर्हिमानी यानी थर्ड इंटरग्लेशियल के अंतिम भाग से मध्य पूर्व हिमालय युग के रहे होंगे। इसे कहने का मतलब है कि ये अत्यंत नूतन काल से रिलेटेड थे, संबंध रखते थे। इसकी संस्कृति जो है वो मुस्टेरियन संस्कृति यानी मुस्टेरियन कल्चर थी। नेंडरथल जो मानव है, इसके संबंध में अनेक भ्रांतियाँ रही हैं। इनकी जो करोटी धाराएँ आधुनिक मानव के करीब आंकी गई है। दूसरी ओर इसके कुछ शारीरिक लक्षण जो वो होमो इरेक्टस से बताया गया है। इन विशिष्ट लक्षणों के कारण इसे सर्वप्रथम आधुनिक मानव से भिन्न जाति होमो नेंडरथलेंसिस के अंतर्गत रखा गया, परंतु बाद में इसका विस्तृत अध्ययन करने पर इनमें आधुनिक मानव से मिलते जुलते लक्षण पाए गए। इसी रीजन से इसे हम अब होमो सैपियंस के एक उपजाति होमो सैपियंस नेंडरथलेंसिस के रूप में जानते हैं, जो आधुनिक मानव और होमो सैपियंस से थोड़ा अलग था। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक वितरण के बारे में, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो नेंडरथल का जो फॉसिल्स है वो 1848 में जिब्राल्टर से मिला था, एंड इन जीवाश्मों पर किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। नेंडरथल के जीवाश्म बहुत स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे नेंडरथल घाटी जो कि ये जर्मनी में है। तो सबसे पहले नेंडरथल घाटी के फेल्डहोफर गुफा से इसका जो स्कल है, कपाल सिर्फ और कुछ कपालेतर अस्थियां प्राप्त हुई थी, जिसकी विस्तृत अगर अध्ययन किया गया है। इसकी करोटी धारा लगभग 1450 सेंटीमीटर आकी गई, जो आधुनिक मानव के काफ़ी करीब है। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट साइट है, बेल्जियस से नेंडरथल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिसे स्पाई वन एंड स्पाई टू के नाम से जाना जाता है, ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो फ्रांस है। 1908 में लाचेपल ओ सेंट नामक फॉसल्स यहाँ से प्राप्त हुआ था। नेंडरथल का यह पहला ऐसा फॉसल्स था जो अच्छी दशा में मिला। इसे चौथे हिमालयी युग के प्रथम भाग का माना जाता है। इसे क्रेनियम की बात करें तो इसे क्रेनियम की जो हड्डियाँ विशिष्ट पाई गई थी, इस रीजन से पहले से प्रोटो नेंडरथल माना गया था, लेकिन फिर बाद में यह माना गया कि ऐसा हड्डियों में विकृति यानी गठिया हो या सूखा रोग के कारण था। इसके अतिरिक्त फ्रांस के ला मोस्टियर से 1909 में 16 ईयर्स बच्चे का भी स्केलेटन वहाँ से मिला था, एंड उसके बाद ला फिरासी, ला क्वीना से 1909 से 21 के बीच, फिर रिगॉर्डू एंड सेंट सीजल से भी नेंडरथल के फॉसिल्स मिले थे, एंड उसके बाद जिब्राल्टर से भी नेंडरथल के दो फॉसिल्स मिले थे, जिब्राल्टर वन एंड जिब्राल्टर टू, एंड उसके बाद इराक के सानीदार गुफा से नेंडरथल के टोटल 9 स्केलेटन वहाँ से मिले हैं, जिसका जो ड्यूरेशन है 46,000 वर्ष पूर्व नियत किया गया। एंड उसके बाद यूगोस्लाविया की बात करें तो यूगोस्लाविया के क्रापिना नामक जगह से भी नेंडरथल के 20 फॉसिल्स मिले हैं, एंड उसके बाद रूस यानी कि रसिया, रूस के किकोवा नामक स्थल से इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ के तास नामक जगह है, यहाँ से भी नेंडरथल के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, एंड उसके बाद इजराइल एंड फिलिस्तीन के गैलिली नामक स्थल में इसके जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, एंड इसके अतिरिक्त
कार्मेल पहाड़ियों की बात करें तो पहाड़ियों में जो पहले फिलिस्तीन के अंतर्गत आता था और अब इसराइल के हिस्से में आता है, ये ताबुन सखू अमूद एंड केबारा, ये सब ऐसे जगह है जहाँ से निंडरथल मैन का फॉसिल्स मिला है। अमूद जो जगह है, यहाँ से 5 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं जिसमें आधुनिक मानव के कुछ लक्षण विद्यमान हैं। एंड सकुल की बात करें, यहाँ से कुल 11 स्केलेटन मिला है जिसमें एक 4 साल की लड़की का लगभग संपूर्ण कंकाल भी शामिल है। लड़की के कंकाल के अतिरिक्त 2 नर जिसका एज होगा 30 to 35 एंड एक है 50 ईयर्स ओल्ड, एंड एक मादा जिसका एज है 30 to 50 एंड एक लड़की का कंकाल मिला है जो 8 से 10 साल का रहा होगा। इन चारों कंकालों का अंशी प्राप्त हुआ है जहाँ से ये मिला है, जहाँ से मैंने निंडरथल एंड क्रोमैग्नन के लक्षण विराजमान है। इससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि निंडरथल का आधुनिक मानव में रूपांतर कैसे हुआ होगा। ताबन की गुफा से बात करें तो वहाँ पे एक पुरुष का कंकाल मिला है जो कि 30 से 35 साल की इसकी एज आका गया है, एंड एक स्त्री का जो 20 वर्ष बताया गया है। इनमें दांत भी सुरक्षित है, यह टीथ भी मिला है। चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो यहाँ सिपका नामक एक जगह है, यहाँ से एक बच्चे का फॉसिल्स मिला है। अगर रोम की बात करें तो 1929 में रोम शहर के बाहर निंडरथल का एक खोपड़ी मिला है। खोपड़ी के साथ बड़े बड़े दांत वाले जानवर जैसे हाथी, गेंडा एंड 4 पैर वाले से बहुत जानवर है जिनका फॉसिल्स वहाँ से मिला है। उन सभी फॉसिल्स इन सभी अस्थि पंजर के आसपास उस काल के बहुत से टूल्स भी मिला है, औजार भी मिला है, उपकरण भी मिला है जो उस टाइम में यूज़ किया जाता होगा। इन बातों से ये कंसेप्ट होता है, क्लियर होता है कि उस समय का मानव इन उपकरणों का यानी टूल्स का क्या करते होंगे, यूज़ करना जान गए थे। इस प्रकार निंडरथल जो मैन यूरोप एंड फिर नॉर्थ अफ्रीका एशिया के कुछ भागों में पाए गए, इनके जो जीवाश्म हैं वो ठंडे प्रदेशों से भी प्राप्त हुए हैं। इनमें भौगोलिक विविधता भी दृष्टि गोचर होती है। इनके जीवाश्म सामान्यतः गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। उस समय के जंतु और वनवस्थियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस समय भी जलवायु ठंडी और वातावरण आर्द्र रहा होगा, इस रीजन से ये गुफाओं में रहते होंगे। तो गाइस, ये निंडरथल मैन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि वो सबसे पहले कहाँ मिले, कहाँ कहाँ से मिले, कैसे थे। फिर मिलते हैं इन वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।